और कानपुर के सीसामऊ विधानसभा सीट का हम जायजा लेने के लिए आए हुए हैं। जान रहे हैं कि आखिर यहाँ की जो जनता की समस्याएं हैं, वो समस्याएं अब तक उनका निराकरण हुआ या नहीं हुआ, और सबसे अहम है कि वो समस्याएं यहाँ कौन सी, क्योंकि लगातार सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश का बेहतर और बेहतरीन विकास किया गया, वो विकास जो बीती सरकारों में किसी ने नहीं किया था, उतना काम विधानसभाओं में, उतना काम उत्तर प्रदेश में किया गया है। कानपुर की सीसामऊ विधानसभा वो विधानसभा है जहां पर लगातार जो फाइट है वो काफी टफ है, और यहां पर समस्याओं की बात करी जाए तो कहीं ना कहीं जो रोड की कनेक्टिविटी है, रोडों के गड्ढे हैं, ट्रैफिक की समस्या है, इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी की समस्या है, स्वास्थ्य की समस्या है, ड्रेनेज की समस्या है, पतली गलियां हैं, ये सारी जो समस्याएं हैं, इन समस्याओं को लेकर लगातार जो मौजूदा प्रत्याशी हैं वो जनता के बीच जाकर के अपना जो एजेंडा है, अपना जो मोटिव है वो बताने की कोशिश कर रहे हैं, और बीते 5 साल में मौजूदा विधायक और मौजूदा सरकार की कमियों को बता रहे हैं। बात करी जाए बहुजन समाज पार्टी की, तो लगातार बसपा सुप्रीमो मायावती अब जनता के बीच भी जा रही हैं, कोशिश कर रही हैं कि जनता को ये बताया जाए कि आखिर हमारी सरकार बेहतर क्यों थी और मौजूदा सरकार ने कौन कौन सी कमियां की हैं। सीसामऊ विधानसभा से उन्होंने रजनीश तिवारी साहब को प्रत्याशी चुना है, वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जनसंपर्क कर रहे थे तभी वो रास्ते में हमसे टकरा गए हैं, और अब हम इनसे बात करेंगे, इनसे जानेंगे कि जब जनता के बीच जा रहे हैं ये, तो इन्हें कौन कौन सी वो प्रमुख समस्याएं हैं जो जनता बता रही है, और ये किस तरह से आश्वासन दे रहे हैं कि उन समस्याओं का हल किया जाएगा। तिवारी साहब बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि जब जनसंपर्क करने आप जा रहे हैं जनता के बीच, यहाँ से टफ जो फाइट है वो काफी टफ है, लेकिन समस्याओं की बात करी जाए तो जनता आपसे किन समस्याओं के बारे में बता रही है और क्या कह रही है, क्या उन समस्याओं का कोई हल हुआ? नहीं, हम पहले तो आपको ये बात बता दें, यहाँ फाइट है ही नहीं इस विधानसभा में। जो भी प्रत्याशी हैं, मौजूदा सरकार जो भारतीय जनता पार्टी है, उस सरकार का जो कैंडिडेट है वो ऑलरेडी इससे पहले एक विधानसभा से हार चुका, अभी 2017 के चुनाव में। अच्छा। सरकार में पकड़ की वजह से संगठन का आदमी होने के नाते तो वो सदस्य विधान परिषद में ना दिया गया। अच्छा। विधान परिषद बनने के बाद उसका 27 तक कार्यकाल है, कार्यकाल होने के बाद वो यहाँ की समस्याएं क्या जाने, वो आर्यनगर का विधायक हुआ था और आर्यनगर से सीसामऊ के बारे में उसका कोई मतलब भी नहीं, वो जानता भी नहीं। और समस्याएं यहाँ समस्याएं हैं, जो मौजूदा विधायक है 2 टर्म से तो यही विधायक है, इससे पहले इसके पिताजी विधायक होते थे, तो वो इसको अपनी पुश्तैनी संपत्ति समझ के चल रहा था। उसने कोई विकास कराया नहीं, टूटी सड़कें, आप मलिन बस्तियों में बजबजाती नालियां, टूटी गलियां, जनता नारकी जीवन जी रही है, उसने कोई वो नहीं काम किया। और रही बात यहाँ की बाजारें, प्रमुख बाजारें हैं, बाजारों में ना शौचालय है, महिलाएं आती हैं बिचारी कम से कम 2-2, 3-3, 4-4 किलोमीटर दूर किन्हीं के घरों में जाती हैं शौच करने के लिए, तो ये सब व्यवस्थाएं होनी चाहिए थी, तो ये करा नहीं रहे, कराई नहीं। इसलिए यहाँ क्षेत्र का, मैं यहाँ का निवासी इसी क्षेत्र में पैदा हुआ हूँ, और पैदा होने के नाते मैं यहाँ की मूलभूत समस्याएं जानता हूँ, मैं इसी विधानसभा का रहने वाला हूँ, पैदा हुआ हूँ, बड़ा हुआ हूँ, और इससे ये लगता है यहाँ की कोई विकास नहीं हुआ। बाजारों में व्यापारियों की कोई सुरक्षा नहीं है, व्यापारी त्राही त्राही कर रहा है, कोरोना काल में पीड़ित हुआ व्यापारी की कोई वो नहीं सुनवाई हुई, नौजवान और यहाँ की मलिन बस्तियाँ। व्यापारियों से मिलने के लिए तो लगातार बीजेपी के जो सीनियर लीडर्स हैं उत्तर प्रदेश के, वो आते रहे हैं कानपुर और उनसे मुलाकात उनकी होती रही, क्या समस्या नहीं सुन रहे थे? भैया बीजेपी के लीडर्स आते जरूर थे, आके वो हाउ डू सो मच बन के चले जाते थे, यहाँ उन्होंने व्यापारियों की समस्याएं नहीं सुनी। व्यापारी का उत्पीड़न हो रहा, कोरोना काल में व्यापारी मरे, उनको त्रासदी में डूब गए, परिवार बर्बादी में चले गए, आत्महत्या कर रहे व्यापारी, लेकिन उनके लीडर तो क्यों सोसो करने आते, मैं तो सरकार में हूँ, भगवान राम को उन्होंने खरीद रखा है, भगवान के राम पे हम वोट हिंदू मुस्लिम करके, अब देखिए वो एक नया मैटर क्या चलाया, हिजाब क्या कहलाया है, हिजाब का नया मैटर उठा दिया हिंदू मुस्लिम का, भाजपा का तो खेल है। इन सब चीजों से इस बार उत्तर प्रदेश के चुनाव पे कोई फर्क पड़ने वाला है? फर्क पड़ेगा, वो तो कह रहे थे कि अयोध्या हो गया, वाराणसी हो गया, अब मथुरा की बारी है, और एक बार फिर से पोलराइज करने की कोशिश लगातार जारी है, तो आपको लगता है कि इससे कोई फायदा होगा? भाई साहब आपको बताएं, जनता भूखों मर रही है, उसको अयोध्या या मथुरा के आस्था के चीज है, ये मेरे आराध्य देव है, भगवान कृष्ण, भगवान राम, ये मेरे आराध्य देव है, लेकिन ये वो नहीं है, इनसे हमारे पेट की भूख मिटेगी, हमारे बच्चों की स्कूल की फीस जाएगी, कोरोना काल में स्कूल बंद हो, मतलब बच्चे स्कूल नहीं गए, फीस बराबर देनी पड़ रही है, प्राइवेट जो सरकारी स्कूल्स हैं वहाँ पे स्थितियाँ कुछ है नहीं, वहाँ टीचर्स पढ़ाने नहीं थी, गवर्नमेंट का कोई पकड़ ही नहीं है, कोई दबाव नहीं है गवर्नमेंट का,
अगर दबाव हो तो गवर्नमेंट ये सब करे। अब आप देखते हैं सामने जाम लगा हुआ है, जाम लगना सबसे भारतीय जनता पार्टी सब आचार संहिता चल रही है और आचार संहिता चलते हुए पूरी गाड़ियां लाइन लगाए जाम लगाए, तो इन चीजों से क्या कहा जाए। इन्होंने किया कुछ नहीं, केवल लफाजी केवल जुमलेबाजी की और हिंदू मुस्लिम सब करते रहे। और सरकार में ब्राह्मणों का सबसे ज्यादा उत्पीड़न हुआ, मैं ब्राह्मण व अकेला प्रत्याशी भी हूँ और ब्राह्मणों का सबसे ज्यादा इस सरकार ने उत्पीड़न किया। अभी एक नई नवेली बहू थी 2 साल की, 2 दिन शादी हुए थे, 2 दिन शादी, उसको जेल में सड़ रही। कहते हैं अगर इनसे जवाब सवाल करो, कहते हैं हमें क्या मतलब, वो तो पुलिस अधिकारी, अधिकारी तुम्हारे कहते हैं कि अपराधी है तो अपराधी को तो अपराधी, अरे अपराधी लड़की अपराधी थोड़ी, जिसकी 2 दिन पहले शादी हुई, अपराधी जिसके साथ उसका पति रहता था उसको तुमने पकड़ घर से मार दिया, मारने के बाद में उसकी पत्नी थोड़ा अपराधी हो गई। मैं अपराध किया, मेरी पत्नी नहीं किया, पत्नी को जेल भेज देगा, सड़ रही है, नाबालिग बच्ची है, तो क्या है ये ब्राह्मणों के साथ अत्याचार हुआ। तो भारतीय जनता पार्टी का इस बार और समाजवादी पार्टी का यहाँ से विधायक का सबके सुपड़े साफ हुए, और कांग्रेस का तो जो है प्रत्याशी उसकी कही वो अपनी अहम नहीं, वो केवल वार्ड स्तर का नेता है, तो विधानसभा राजनीति करने से उससे कोई मतलब भी नहीं। अजय मिश्रा टेनी के बेटे को भी जमानत दे दी गई, क्योंकि अभी आपने एक बहुत अहम मुद्दा उठाया कि एक महिला है जिसे शादी के 2 दिन बाद से जेल में रखा गया, वो अभी तक है, लेकिन अजय मिश्रा टेनी के बेटे को जमानत मिली। तो वो तो उनकी सरकार में अजय मिश्रा केंद्रीय गृह मंत्री है, उनके बेटे को तो दे ही देंगे, क्योंकि उनका बेटा सरकार में, वो दिखाएंगे वहां किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी, मार दिया रौंद के, लेकिन उनके बेटे को उन्होंने जमानत दे दी, क्योंकि सरकार पूरी तरह कोर्टों पे दबाव बना है। न्यायालय हम सम्मान करते लेकिन पूरे दबाव में न्यायालय काम कर रहे हैं, तो इससे क्या कहा जाए। सरकार पूरी तरह अपना आधिपत्य बनाया है और जनता की सुनी नहीं जा रही, जनता का लाइन ऑर्डर नहीं, पुलिस का उत्पीड़न, अधिकारियों का उत्पीड़न, सेल टैक्स इनकम टैक्स वालों का उत्पीड़न, व्यापारी परेशान है, दुकानें बंद करके व्यापारी आत्महत्या कर रहा, सब कुछ कर रहा। अच्छा, कई सारे मंत्री भी जो है वो कानपुर से संबंधित है, सांसद भी बीजेपी के ही है, उसके बावजूद सामने की ये जो सड़क है, क्योंकि काफी देर से यहाँ पर जाम लगा हुआ है, हम भी फंसे हुए थे इस जाम में, क्या ये जाम इसी तरह से रोज लगा रहता है? रोज पीरियड भाजपा की सरकार ने यहाँ कोई ट्रैफिक का वो नहीं बनाया, 5 साल से इनकी सरकार है, इन्होंने जाम के लिए कोई चार्ट नहीं तैयार किया, कहीं कुछ नहीं किया, सिग्नल्स बना दिए लेकिन सिग्नल से इन्होंने जाम की समस्या कोई निदान नहीं की। सड़कों पे अतिक्रमण है, ठीक है, अतिक्रमण के लिए उनको आप थोड़ा वो करिए, हटाइए उनको, वो करिए हटाने मतलब ये काम उनको, उनके भी रोजगार की व्यवस्था कर दीजिए तो आप करिए, वो आपको करना नहीं। गरीबों को आवास देने नहीं फ्री, प्रधानमंत्री आवास योजना देने कहते हैं तो वो आवास इनके पास वो पैसे लेके दे रहे हैं, हर आदमी ले नहीं सकते। अरे राशन दिया तो राशन में नमक में आ रही है, कांच पिसा हुआ, आपको हम दिखाए, हमारे पास पड़ा पैकेट खोल के देखा उसमें कांच है, अब बताइए राशन ऐसे चल रहा है, ऐसे ही है। आज महंगाई की चरम सीमा पे है, 240 रुपए किलो कड़वा तेल है, क्या चीज सस्ती है, आलू प्याज जो रोजमर्रा की चीजें सब महंगी है, तो महंगाई इन्होंने कहीं कंट्रोल नहीं कर सकते। और पेट्रोल डीजल के दाम जो भी कम किया, चुनाव देखते चुनाव देखिए अभी कितने स्तर में बढ़ाते हैं, तो इनके हाथ में कुछ नहीं, इनका शासन प्रदेश सरकार केंद्र सरकार दोनों सरकारें इनकी फेल है। ये दोनों की बात होगी, क्योंकि बीजेपी और सपा की भी बात करेंगे, क्योंकि दोनों ने अपना मैनिफेस्टो लॉन्च किया और कई सारी चीजें कही कि हम ये मुफ्त दे रहे हैं, हम वो मुफ्त दे रहे हैं, कई सारी चीजें उसमें पेट्रोल तक हो गया है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, क्या कहना चाहेंगे? और दूसरी चीज, इस विधानसभा क्षेत्र में जो आपकी जनता है जिनके बीच आप जाते हैं, उनको क्या भरोसा दिलाएंगे, क्या अपील करें? भाई ये तो कभी कर ही नहीं सकते पूरा, ये कहने को तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा यही कही थी, हम ये दे देंगे वो दे देंगे आसमान से तारा तोड़ के दे देंगे, लेकिन कभी नहीं दे सकते। और समाजवादी पार्टी तो गुंडों की सरकारें रही है, समझे, जो ना माने हमसे वो मानेंगे उनके दादा से, तो इसलिए समाजवादी पार्टी की तो बात ही नहीं। और भाजपा झूठ का पुलिंदा लेके घूमती, हाँ मेरी बहन मायावती है, उन्होंने अच्छा शासन दिया, लाइन ऑर्डर किया, चिकित्सा सुविधा के लिए उन्होंने प्रदेश में हर जिले में अच्छी सुविधा दी, कानपुर में भी आप ले लें, मानवर काशीराम ट्रामा सेंटर है, आज बदहाल स्थिति में जूझ रहा है, क्योंकि उनकी सरकार नहीं बनी, वो बदहाल स्थिति में जूझ रहा है, बना पड़ा है, इतना बड़ा कोई अस्पताल नहीं, LLR हॉस्पिटल में ICU की व्यवस्था, LLR हॉस्पिटल में वेंटिलेटर्स की व्यवस्था, सब बहन जी के टाइम की हुई वही चल रही, कोरोना काल में लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिली, यह भारतीय जनता पार्टी का शासन है, इसलिए उनके लिए कुछ ना, वो कुछ करते नहीं है, केवल कहते हैं। अपील है इस विधानसभा की जनता से और प्रदेश की जनता से बसपा के लिए। मैं बसपा का प्रत्याशी होने के नाते और एक इस विधानसभा का निवासी और नागरिक होने के नाते मैं अपनी विधानसभा की जनता से यह कहना चाहता हूँ,
अगर आप हमको मत दें और ये देखें मैं विकास आपके बीच में सदैव रहता हूँ, इतनी उम्र तक आप ही बीच में रहा हूँ, मैं पूर्णतया विकास कराऊंगा, ये टूटी सड़कें नहीं रहे, बजवाती नालियां नहीं रहे, व्यापारी जो कोरोना काल में बर्बाद हो चुका उसको स्थापित करने के लिए जो भी शासन स्तर निजी संसाधनों जो भी व्यवस्था है वो करूंगा, मलिन बस्तियों का जो उद्धार है उनको करूंगा, उनको मालिकाना हक दिलाऊंगा, और जो सफाई कर्मचारी हैं आजकल डेली वेजेस पे लगे हैं आज तक, तो उनको मैं स्थायी करा के उनकी नौकरी को, सबसे गंदा काम वही करते हैं, मैं सफाई मजदूरों को और क्षेत्र की हर आम नागरिक को, आम जनता को, हर वर्ग के लोगों को मैं पूरी तरह लाइन आर्डर सारी सुविधाएं देके और नौजवानों को रोजगार प्राइवेट संसाधनों से सरकारी तंत्रों जहां भी होगा सारी व्यवस्था कराऊंगा। निकले हमसे तो ये रजनीश तिवारी थे और सीसामऊ विधानसभा सीट वो सीट जहां पर कई सारी समस्याएं हैं, चाहे वो रोड की कनेक्टिविटी की बात हो गई हो, ट्रैफिक की बात हो गई, स्वास्थ्य की, बेहतर शिक्षा की, कई सारी समस्याएं हैं जिन पर जो नुमाइंदे हैं उन्होंने अब तक आंख मूंदी हुई थी। लेकिन रजनीश तिवारी साफ तौर पर इस बात को कह रहे हैं कि अगर जीत कर वो आते हैं तो इन सारी समस्याओं पर बेहतर तरीके से काम करेंगे और इनका जो हल होगा वो निकाल करके जनता को बेहतर विकास देंगे, रोजगार भी अपार सफलता, जैसा कि लगातार बसपा सुप्रीमो मायावती कह रही हैं कि रोजगार की दृष्टि में भी बसपा ने जो काम किया था उसी उससे भी बेहतर काम इस बार किया जाएगा। कैमरा पर्सन शुभम के साथ में नितिन, प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।